ठंडे ठंडे पानी से। तो आज ना लोडर नहीं है वो सूट तेनू पटियाला शाही सोनी लेके देना। कभी हमारे पास भी आएगी कोई पटियाला शाही सूट वाली जिसको हम पटियाला शाही सूट देंगे कभी लेके जिंदगी में। वेल इसुजु ट्रक्स बाबा फुल पावर। यो मेरा दिल आ गया इस गाड़ी पे, मैं फीलिंग सो गुड। आग सेकने का मोटा ही नजारा भाई, अपना टकोली का नजारा भाई। बाथरूम एक ऐसी खिड़की है यहाँ है, बाकी ये दरवाजे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। तो आज भी मैं बहुत जल्दी आ गया, फ्रेश हो गया, ज़्यादा ही जल्दी। तो रेत भर दिया गाड़ी में, चला चूंका के जा रहा हूँ। तो देखूँगा आपने लोहड़ी कैसी हुई। तो फर्स्ट मैंने आज लोहड़ी की है, मेरे को इंट्रो देने की याद रही थी। चलो चला लेते हैं, बाकी बात हम करेंगे अब जब धूप आएगी तब, ठीक है? फर्स्ट ट्रिप लगा के आते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। खड्डी चढ़ाई भाई साहब, खड्डी चढ़ाई पहला फिर पहला कर दिया जो मतलब कि इस जगह खड्डी चढ़ाई। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये तो हाँ जी भाइयों, आज ना लोडर नहीं है, तो सुबह था लोडर, सुबह एलएनटी थी, आज लोडर नहीं, तो आज जेसीबी से लोड हो रहा है। वो देखिए दोस्तों हमारी प्यारी जेसीबी, मोटी गच वाले स्टाइल से कर रहे लोड भाई जेसीबी से। वो सूट तेनू पटियाला शाही सोनी लेके देना। चलो भाई कभी हमारे पास भी आएगी कोई पटियाला शाही सूट वाली जिसको हम पटियाला शाही सूट देंगे कभी लेके जिंदगी में। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं पर पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। मेहनत तो दिन रात कर रहे भाई। तो बस चलांग फोन करते कट्ठा ना दोस्तों। वो सूट तेनू पटियाला शाही सोनी लेके दे। तो भाइयों बात है ऐसी, काम में काम होते हमारे को। देखो अब मेरे को, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो काम बचा है, कुछ तो। तो मेरे को क्या काम बचा? गाड़ी की एडजस्टमेंट, गाड़ी की साफ सफाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो आज मेरे वहाँ ज़्यादा काम है नहीं, इसके बाद करेंगे ऐसा। पहले खाएंगे खाना ना, खाना खाने के बाद आएंगे सीधे गाड़ी धोएंगे, फिर लंच टाइम हो जाएगा ख़त्म। फिर लंच टाइम के बाद एक आधा ट्रिप और लगा देंगे, गेड़ा शेड़ा बढ़िया हुआ, फिर सीधा घर आराम से। तो आज कोशिश करेंगे आज जल्दी ही जाएंगे, आज नहीं मैंने ज़्यादा काम करना यार, हालत ख़राब हो गई है। ज़्यादा काम करके कौन से मेरे को स्टार लग जाने हैं क्या, है ना? अब जैसे मैंने पिछले घर लगाया ना, इतने ज़्यादा चक्कर, देखो 7 चक्कर लगाए मैंने पिछले घर, तो मेरे को कोई स्टार नहीं लगने उससे कि मेरे को स्टार लगेंगे कि तूने 7 चक्कर लगाए। वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरी गाड़ी धोने की टाइमिंग नहीं मिल रही, इसलिए वो 7 चक्कर लगाए मैंने। तो आज देखो मेरे वहाँ टाइम बच गया, तो आज मैं गाड़ी धो सकता हूँ, मतलब क्योंकि गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। पता कैसे, अंदर से तो ठीक है, बाहर से मतलब यार यहाँ पर जैसे ना, एक मैं बता दूंगा आज आपको
कीचड़ ही कीचड़ बना हुआ है यार वहाँ, गाड़ी की हालत ही खराब हुई है। आजकल ना धूल बहुत उठती है, धूल उठती है तो इसलिए यहाँ पानी वगैरह ज्यादा मार रहे हैं, तब गिरती हुई सारी स्टोरी। चलो ज्यादा बात ना करते हुए मिलते थोड़ी देर बाद। दोस्तों लंच टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा रेस्ट पे बैठा हूँ यहाँ अभी, क्योंकि लंच टाइम में क्रेशर पे कोई भी नहीं था, सारे खाना खुना खाने गए हैं, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। खाना खुना खा के आ गया था मैं, तो यार एक मेरे मन में एक डाउट है, वीडियोस मेरी जो है ना बहुत बंदे देखते हैं पर यार चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दो यार, आपके क्या जाएगा भाई। तो आज का दिन भी ऐसे ही बेकार बेकार जैसा जाएगा, रहो इधर भाई काम ही नहीं है। आज सोचा था गाड़ी धोऊंगा तो अभी इतना टाइम नहीं रहा है, मैं सोचता कि एक ट्रिप लगा लूँगा शमशी का और जल्दी जल्दी फिर मैं गाड़ी धोने जाऊँगा। तो एक तो यार सर्विस स्टेशन वाले भी आजकल ड्रामे करते, कोई रुकता ही नहीं है शाम तक, दिन को भी क्या गाड़ी धोनी, फिर बीच लाएंगे तो गाड़ी गिल्ली रहेगी तो उसमें मिट्टी जब जाएगी भी गंदी होगी, शाम को धो के ऐसा कि सुबह तक गाड़ी सूख जाती है और उतनी गंदी नहीं होती है। बाकी चलो रेस्ट वेस्ट करते हैं, इसके बाद देखेंगे हम कि आशापुरी क्रेशर का ही कोई एक आधा ट्रिप मिल जाए तुम्हारे को, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो तब निकलेंगे हम गाड़ी धोने। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। मेरे को बहुत तंग करता भाई हो रोज़ रोज़, जिसको भी ये बंदा मिले इसको किडनैप करो, बिल्लो लगी वहाँ भाई ना। तो सीन कुछ ऐसा है कि डिमांड ही नहीं मिली, 4 बज गए मैं चला घर, तो पता क्यों जा रहा हूँ गाड़ी को धोना, मेरे को चलते हैं देखते हैं। अभी सर्विस स्टेशन वाला फ़ोन तो उठा नहीं रहा क्योंकि जो अंदर का जो डेकोरेशन का सामान है सारा उसके नहीं है, तो अभी देखते हैं अगर वो फ़ोन उठाता तो उसके नहीं जाते हैं, नहीं तो आगे पीछे कहीं भी धो लेंगे गाड़ी, कोई चक्कर नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं फिर मिलते सीधा सर्विस स्टेशन पे। तो हाँ जी दोस्तों, किसी के वहाँ टाइम ही नहीं है यार गाड़ी धोने का, तो मैं वापस घर ही जा रहा हूँ। तो जो जिसके वहाँ मेरा अंदर वाला ये सारा सामान है वो बंदा है नहीं सर्विस स्टेशन में, तो मैं घर ही जा रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट करूँगा उसके बाद अंधेरा 5:30 बजे हो जाता है, फिर गाड़ी ढंग से यार साफ भी नहीं होगी, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो मज़ा नहीं आएगा तो आपको पता मैं गाड़ी नहीं धोऊँगा, इसलिए मैं गाड़ी कल ही धोऊँगा। तो चलते घर रहे क्या, बजौरा में भी एक जगह गया था वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई उसके वहाँ धोने को, तो उसको तो ऐसे ही रात होने वाली है, जो अपना वो था दोस्तों उसका सर्विस स्टेशन बंद है, वो सर्विस स्टेशन में है नहीं तो वो बंद है आज पता नहीं क्यों। तो चलो मैं घर जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं अभी नगमा ही में रुका तो क्या बनता है, तो देख तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चलते हैं घूमने फिरने, या ऐसा करते घर ही निकलते, घर का काम चला, घर का काम चेक करते घर जाके। वेल इसुजू ट्रक्स बाबा फुल पावर, तो वहाँ अपनी बिल्लो लगी है, तो अभी एजेंसी जो है नई निकली है तो भाई ने मेरे को गाड़ी देखने बुलाया है, तो मैं ऐसे जस्ट फॉर चेकिंग के लिए आया हूँ यहाँ, तो नए नए ट्रक्स आते हैं यहाँ, तो ये जो है अपना BS6 GS SML Samrat GS है अपनी बड़ी गाड़ी, मतलब कि टिपर मतलब जो भी है। यो मेरा दिल आ गया इस गाड़ी पे, मैं अब इस गाड़ी को लेने वाला हूँ कुछ दिनों में। ये है हमारे अमित भाई SML के मैनेजर डायरेक्टर सम्राट GS। ये भाई मैं इसको अंदर से जाके चेक करूँगा जरा बढ़िया, ये भाई ग्लोबल सीरीज भाई जी, इसमें आते हैं अपने टायर जो है अपने भाई ने ऐसे यार मेरे को देखने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं है 8-25-16 भाई ठीक है। आजकल जो ये जो गाड़ी है टॉप पे चली है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री है, टॉप पे चली हुई है, अच्छी गाड़ी है तभी बिक्री है। जो ये इसका ये वाड़ी है ये है 150 फुट की, 150 फुट ही चलता है यहाँ, ये जो ये वाड़ी देखो ये भी तक 150 फुट की है ठीक है। टायर इसके बड़े हैं ठीक है, पहले तो गाड़ी में ना 5 नट आते थे, अब आते 6 नट ठीक है, बाकी पीछे भी सेम ही टायर है और गाड़ी में यूरिया रहता है और इसका टैंक मिलता है आपको 90 लीटर का। हाँ भाई पूरी फुल इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, फुल इलेक्ट्रिकल यस, जिसमें कि आपको भाई साहब देखो 5 गियर मिलेंगे आगे के लिए और एक मिलेगा आपको रिवर्स ठीक है, जिसमें आपका जो क्लच है भाई प्रेशर वाला, ये आवाज़ सुन सकते आप ये, और जो एयर ब्रेक होता है भाई पावर ब्रेक एयर हवा से चलता सब कुछ ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीलेटर है हमारा यहाँ पर।
अंदर का नजारा कुछ इस तरह का है, सीट सूट बढ़िया कंफर्टेबल है भाई, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आगे पीछे ऊपर नीचे, यहाँ से आगे देखो यहाँ से पीछे, ठीक है। बाकी हमारे वो 5 गियर मिल जाता है आगे के लिए, 1 मिलता रिवर्स, बैक जो है 6 गियर हो गए, ठीक है। बाकी इसमें जो है SML का ये अपना स्टीरियो मिल जाता है, बाकी ये फैन मिल जाता है, अभी मैं आपको चला के भी बताऊंगा। और यहाँ पर एक बटन मिल जाता है आपको जो लाइट है उसको अप डाउन करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। बाकी कंट्रोलर मिल जाता है, बाकी अपने ये जो वाइपर है, ठीक है, यहाँ इस वाले बटन से वाइपर का ये जो पानी चलता है। बाकी यहाँ पर आपको लाइट ऑन ऑफ डिपर ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है। और यहाँ से फोन बजता है, ये अपना शीशा खोलने का ये है, ठीक है। बाकी 4 आपको इसमें साइड ग्लास मिल जाते हैं भाई, एक बड़ा एक छोटा, एक परे मिलेगा बड़ा एक छोटा, ठीक है। सिंपल सी सीट मिलेगी। बाकी सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि इसमें देखो पीटीओ गियर का है ना, एक पीटीओ गियर, ठीक है, मतलब क्लच दबा के चलता है, अभी तो गाड़ी बंद है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो इससे पीटीओ ऑफ हो गया। बाकी इससे ऐसे कि माजो गाड़ी में ना लीवर दबाना पड़ता है, इसमें लीवर दबाने की जरूरत नहीं, इसमें आप सीधा डायरेक्ट ऐसा लगा के रखो, एक्सलेटर दबाओ और लिफ्ट ऊपर वाई सीधी। तो किसी दिन को आके इसका वो भी बताएंगे आपको सही से। बाकी इसकी हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक ऐसी है कि एक बार लग गई फिर आप चाहे बुलडोजर से धक्का दे दो टायर नहीं घूमेगा, वैसे इसकी टोके आगे जाएगा, बट जो टायर है टायर नहीं घूमेगा भाई। इसकी हैंड ब्रेक ऐसी होती है जिनकी भी एयर प्रेशर वाली ब्रेक होती है, ठीक है। बाकी गाड़ी को देखते स्टार्ट करके, ये भाई आ गया अपना स्विच, डर लग गया यार मुझे। बत्तियाँ देखो भाई, बत्तियाँ महाराज, इसको कर देते हम क्लच दबा के जरा न्यूट्रल। होगी मेरे गड्डी साड़ी स्टार्ट, ये भाई क्या सेक्सी साउंड है भाई। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है, मतलब माता रानी को मैं ही आज अंदर लगा रहा हूँ, भाई बोरा के अंदर भी लगा दे, तो जितना मेरे से हो सकता था इतना मैंने बताया है। बाकी इसका इंजन कितना हॉर्स पावर क्या इतना मेरे को पता नहीं है, बट इतना पता कि इंजन पावरफुल है, ठीक ना। पूरी डिटेल नहीं मेरे को इस गाड़ी की पता, अपनी आयशर का था मेरे को पूरा पता भाई। गियर भी इसका बड़ा हिस्सा भी बड़ा है, जहाँ मर्जी जितना मर्जी जोर पा दो भाई गाड़ी फुल पावर चढ़ेगी ना, कुछ तोड़ेगी ना ये ना आयशर। अब की जो गाड़ी आयशर और ये दोनों अच्छी आई है, तो आयशर थोड़ी सी महंगी है और ये थोड़ी सी सस्ती है, पर गाड़ी में भाई डिफरेंट कोई नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया है सारी। RPM वाली गाड़ी भाई, कार कहाँ डालनी भाई आजकल की गाड़ी का, यहाँ तो डिजिटल मीटर है, ठीक है। डीजल का टैंक खाली है इसका भाई अभी, तो चलो बाकी इसको करते हैं अंदर। किस दिन यार, दिन को आएंगे, अभी पिक्सल पड़ रहे, फिर इसकी पूरी डिटेल देंगे आपको। देखो भाई पहले पाना दूसरा गियर, फिर पाना रिवर्स, फिर करनी जय हो माता रानी, फिर करनी गड्डी बैक। चली माता रानी पीछे नु, पत्थर लगा। ओ यार मिन जो डर लगी गई है सगड़ी जो बैक कर दे भैया, फीलिंग सो गुड। ये लगी भाई GS। आओ भाई फिर फटाफट बुकिंग कराओ यहाँ अपनी गच्च वाली GD, नियर बाय GD नेचर पार्क के सामने, बिल्कुल जो राजवीर टाइल्स है उनके सामने भी कुछ शोरूम यहाँ लगा बोर्ड भाई गच्च वाला। ये है भाई शोरूम देखो यहाँ, ये नंबर भी है यहाँ भाई, जिसको डिटेल चाहिए आप फोन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस दिन फ्री टाइम मैंने इतना तगड़ा रिव्यू दूंगा इस गाड़ी का कि गच्च वाला, मतलब अच्छी सलाह दूंगा कि गाड़ी कौन गाड़ी कैसी है, ठीक है। किसी गाड़ी के बारे में गलत नहीं बोलता मैं, गलत बोल के मेरे को भाई अच्छा लगता, जस्ट ऐसे ही अपने जो भाई है ना अमित भाई, अपने पहले से खास दोस्त है, मतलब भाई के साथ आना जाना रहता, उठना बैठना रहता है, वैसे ही आ गया था भाई को, बैठने भाई ने बोला नई गाड़ी है देख जरा, तो थोड़ा देख रहा था गाड़ी को, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ले रहा हूँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट देख रहा था मैं गाड़ी, देख ली मज़ा आ गया। तो चलो कोई सीन नहीं है, बताना यार गाड़ी कैसी लगी आप सबको, मेरे को तो बढ़िया लगी भाई। तो हर गाड़ी की अपनी एक अलग फीलिंग है, तो मैं घर जा रहा हूँ ना, देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या बनता है, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बताना सब है ना गाड़ी कैसी क्या है, जिन ये GS है भाई वो भी कमेंट करना कि गाड़ी अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। काली आग सेकने का मोटा ही मजा रहा है ये भाई, अपना टकोली का नजारा, नाइट व्यू। ये आज भी मैं पैदल ही जा रहा हूँ घर, क्योंकि आज भी मैंने कार नहीं ले आई है। मैं और अभिनंदन जी हम दोनों
मेरे घर जा रहे, क्यों जा रहे वो भी बताएंगे आपको। ये मेरे घर का पैदल रास्ता, ये व्हाइट कोली बाजार, वहाँ से लेकर आया तुम्हारा भाई यहाँ से पैदल। ये गाइस देखो मेन डोर, अभी नहीं उतना बता पाऊँगा मैं, बाद में बताऊँगा आपको कल, जैसे मेन डोर ये भी खड़ा हो गया किचन का, बाथरूम वगैरह का। ये देखो भाई बाथरूम, एक ऐसी खिड़की है यहाँ है, बाकी ये दरवाजा है देखो भाई, ये अपना रूम है, ये है अपना रूम, ये भाई अपना हॉल, बाकी दिन को जितना होगा मैं दिन को बताऊंगा कल। हाँ जी घर पहुंच गया हूँ, नाने नूने जा रहा हूँ मैं, अभी नहा धो के फ्रेश होते हैं, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना स्वास्थ्य फायदे में रखो, कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना किस तरह के ब्लॉग चाहिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं वो भी बताना। बाकी जो चैनल पर नए चैनल करो सब्सक्राइब, जो फेसबुक पेज पर देख रहे पेज कर दो भाई फॉलो। और बहुत की खुशी की बात है कि मेरा फेसबुक पेज भी आप सभी की दुआ की वजह से मतलब कि मोनेटाइज होने वाला है, तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू इतना सपोर्ट करने के लिए। चलो करते इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू, ट्रक वर्क है।